हेलो दोस्तों, नमस्ते। पुनः सुशी 24 में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं समर स्पेशल कच्ची आम का चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही स्पाइसी और तीखी चटपटा चटनी बनता है। इसे हम सत्तू के साथ बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। इसका अच्छा कॉम्बिनेशन है सत्तू के साथ, लेकिन वैसे भी आप किसी भी चीज़ के साथ ही इंजॉय करें, दोपहर के खाने के साथ या शाम के नाश्ते के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। आम की चटनी बनाने के लिए हम लेंगे आम, कच्चा आम लेंगे, जिसे हम इस तरह से छील लेंगे। अब इसे हम स्लाइस के रूप में काट लेंगे इस तरह से। इसे ग्रेट भी कट कर सकते हैं या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं इस तरह से। इसके बीज हम हटा देंगे। देखिए इसके बीज हम हटा दिए और ये अच्छे से स्लाइस हो गया है, कट हो गया है। इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं डालेंगे। अगर आपको पसंद है तो इसमें पुदीने की पत्ती और धनिया की पत्ती मिक्स करके बनाएं, लेकिन उसका टेस्ट अलग होगा। और आज हम बना रहे हैं सिर्फ कच्ची आम का चटनी, जिसमें हम लाल मिर्च यूज़ करेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है। इसलिए लहसुन हम इसमें साथ लिए हैं। देखिए लहसुन कुछ ज़्यादा इसमें रहेगा, इस सबसे चटनी बहुत ही स्पाइसी और अच्छा बनता है। तो हम लोग छोटे मिला करके 15-20 लहसुन का कली है। देखिए मिक्सी जार में ये कच्चे आम डाल दिए। बहुत ही आसानी से बनने वाला ये चटनी है और इसे सत्तू के साथ हम लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं गर्मी के में, दोपहर के खाने में। ये बहुत ही बिहार का फेवरेट डिश है। सत्तू के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। देखिए इसे हमें ज़रा सा पानी डालेंगे पहले। देखिए आम का चटनी बनके तैयार हो गया है। तो बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत ही तीखी स्पाइसी चटनी बना है। देखिए इस तरह का स्मूथ हमें चाहिए बढ़िया से। अब इसे हम निकाल लेते हैं बॉल में। देखिए चटनी हम निकाल लिए। अब इसमें हम डालेंगे सरसों तेल, और नमक, सादा नमक। इसमें और कुछ हमें नहीं डालना है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। देखिए हमारे आम का कच्चे आम का चटनी बनके तैयार हो गया है। एकदम मनपसंद यम्मी कलर आया है, बहुत ही टेस्टी कलर आया है। देखिए बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और बहुत ही तीखी चटपटा चटनी बना है। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें, बार बार बनाएंगे। अगर हमारा रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा हमारा वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।